स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हमने क्वेश्चन बताना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। हम पहले क्या करें, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लें, इससे एक आइडिया मिल जाएगा। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये 48 मीटर है और जो इसका डायगोनल है वो 50 मीटर है, तो यहाँ पे राइट एंगल बन गया। और अब इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, इससे हम फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पर ये साइड क्या होगी। मैं मान के चलता हूँ कि ये ए हो गया, ये बी है, सी है और ये डी है। तो आप जानते हो कि हाइपोटेनियस ए सी है, तो आप लिख दोगे ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, बेस हो गया, प्लस परपेंडिक्यूलर में बी सी होल स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये हो जाएगा 50 होल स्क्वायर, यहाँ पर ये हो गया 48 होल स्क्वायर और प्लस में बी सी होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब 50 का 5 × 25 हो जाएगा और जीरो जाएंगे दो, यहाँ पे 48 की मल्टीप्लाई आप 48 से कर लो, 8 × 8 = 64 कैरी 6 और 8 × 4 = 32 और 6 = 38, 4 × 8 = 32 कैरी 3, 16 × 3 = 19। आप प्लस करोगे 4 × 10 = 93, 12 × 1 = 13 एंड 1 = 12। यहाँ पर जो आंसर आया 2304 प्लस बी सी होल स्क्वायर। अब क्या करो, बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये 2304 आप लाएंगे दूसरी साइड में तो माइनस में जाएगा 2304। देन बी सी होल स्क्वायर 10 × 4 = 6, 9 आ गया, 4 × 3 = 1, 196 हो गया। हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर हटाया जाए तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा और ये बी सी कितना हो जाएगा, 14 आपका मीटर। क्लियर हो गया, ये साइड आपकी 14 मीटर हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जानना है, रेक्टेंगल जानना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो एल आपके पास 48 है और बी आपके पास 14 है, तो 14 × 8 = 112 होता है, कैरी का 11, 14 × 4 = 56, 11 प्लस कर लो, 617 और 516, 672 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, नॉर्मली क्या होता है साइड इनटू साइड होता है, लेकिन डायगोनल वाले केस में लिखा जाता है 1/2 डायगोनल होल स्क्वायर, ठीक। और इसकी वैल्यू दी हुई है 16,200। तो बेटा डी स्क्वायर तो यहीं रहने दोगे, 16,200 में 2 की इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 × 0 = 0, 0 × 4 = 12, 2 × 1 = 2, 1 = 3 हमारे पास डी स्क्वायर आ गया। अब इस डी से इसका क्या करना है आपको, यहाँ पर इसकी आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट बना देना है 3, 2, 4, 0, 0। अब 3, 2, 4, 0, 0 का आप क्या करो, 3, 2, 4, 0, 0 आपके पास बना, इसका आप निकालो तो 16 हो जाएगा, 20, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 20। अब यहाँ से ये 90 का बन जाएगा, तो 90 यहाँ पे 2 × 2 × 90 × 90, बहुत बड़ा नहीं करते इसको, और यहाँ पर D, तो एक 2 आ गया और एक 90 आ गया, 90 × 2 = 180, 180 मीटर क्या होगा इसका डायगोनल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसे आप अच्छे से कॉपी कर लेंगे। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 18 सेंटीमीटर,
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पर कह रहा है कि सर्कमफेरेंस है उसका डायामीटर उससे 18 सेंटीमीटर एक्सीड जाता है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, लेट द रेडियस बी इज इक्वल टू आर कर लो। यहाँ पर सर्क्यूम फेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखें तो 2πr से यहाँ पर आपका जो रेडियस है, और आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, और यहाँ डायमीटर की बात कही गई है, तो 2r कितना एक्सीड होता है 18 सेंटीमीटर। अब 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे कॉमन, आर दोनों में है तो कॉमन निकाल दीजिए, आर बचा क्या यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया और ये हो गया 18 सेंटीमीटर। तो 2r आप यहीं रहने दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, -1 = 18, देन 2r = 22/7 और = 18 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2r कर लिया, 12 से 7 जाएगा 5, यहाँ पर 1 हो गया, 15/7, तो r = क्या होगा 15/7 और ये 2 यहाँ जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर 15/7, ये 7 यहाँ पर 15/7 है, सॉरी 15/7 2r, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, 2r = 15/7 18 के इक्वल जाएगा। तो यहाँ पर 18 × 7/15 और ये जो 2 है वो भी यहाँ आ जाएगा, तो 2 × 9 = 18 हो गया, 9 × 7 = 63/15 r हो गया, 63 यहाँ पर r है तो 15 × 4 = 60 और 2 × 15 = 30, तो r की वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर जाएगी। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।